Hi friends, today we will see third point after oxidation reaction with mineral acid. In your textbook, its name is reaction with phosphorus trihalide. This is called phosphorus trihalide, yani PCl3. और मिनरल एसिड बोलेंगे तो SOCl2 PCl5 ले सकते हो. तो सिंपल क्या करना है, ROH PCl3 के साथ ट्रीट करो तो RCl बनेगा और H3PO3. सिंपल ये रिएक्शन है, आपको लर्न करनी है कि ये रिएक्शन होती है इसमें. बट मैं रिएक्शन विथ HX, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लुकास रिएजेंट का यूज हो रहा है. लुकास रिएजेंट बनाने के लिए HCl एंड ZnCl2 का यूज होता है. वहां पे अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 अल्कोहल्स दिए होते हैं तो उस वक्त यूज होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटिंग में कि ये कौन सा अल्कोहल है. तब जाके हम लोग रिएजेंट लेंगे. तो अगर सब्सटेंस में साथ में रखे होंगे और उसके अंदर हम लोग कोई भी सब्सटेंस में अगर लुकास रिएजेंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग ने लिया है फर्स्ट वाला लुकास रिएजेंट डालेंगे, अगर उसमें टर्बिड सॉल्यूशन नहीं होगा देन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल. टर्बिड यानी कि वो क्लियर सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई वो ओपेक नहीं बट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन रहेगा. 2 डिग्री अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ लुकास रिएजेंट, देयर इट गिव्स टर्बिड सोल्यूशन आफ्टर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स वेट करोगे वो सोल्यूशन को एड लुकास रिएजेंट एड करने पे अल्कोहल में, तो थोड़ी देर के बाद उसमें टर्बिड सोल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा. तब जाके हम कन्फर्म कर सकते हैं कि वो 2 डिग्री अल्कोहल है. 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट यानी कोई अल्कोहल में लुकास रिएजेंट एड करो, इंस्टेंटली टर्बिड सोल्यूशन फॉर्म होता है. Then we can say that solution is 3 degree alcohol. This is important. Learn and write in your notebook. Thank you.